नमस्कार, स्वागत है आपका निशन 24 में। मैं प्रिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 3,269 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोप के मामले में सट्टी भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाशी है ली। इस संबंध में दिल्ली स्थित सट्टी भोग फूड्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और निदेशक को आरोपित किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के समूह से 3,269 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने सट्टी भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार, निदेशक सिद्धार्थ कुमार और सुनंदा कुमार को आरोपित किया गया। एसबीआई ने सीबीआई से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के ऑडिट के दौरान कंपनी ने कीटों की वजह से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया और उसे भारी नुकसान की बात कही। बाद में इसे बहुत कम कीमत पर बेचा गया। यह दावा ऑडिट रिपोर्ट के तथ्यों का विरोधाभासी है कि एसबीआई के मुताबिक फर्म के स्टॉक और ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि 2015 में कंपनी के गोदामों में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक था। प्राथमिकी में शक्ति भोग कंपनी के अधिकारियों द्वारा खातों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी वारा का सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। मालूम हो कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड 24 साल पुरानी कंपनी है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए निशन 24 के साथ। नमस्कार।